Hello everyone, welcome to Let's Learn Together. Here I share my notes and brief explanations of various topics centered around geography and its other subdisciplines. You can find different sections of various subdisciplines in the playlist of the channel. If you are new to this channel, then do subscribe and support us by sharing your valuable feedback. You can also connect to us through YouTube, Facebook or Instagram under the handle Let's Learn Together. Welcome to Let's Learn Together. आज हम बात करेंगे geomorphic processes के बारे में. ये वो processes हैं जिनकी वजह से अर्थ जो है आज की शेप ली है उसने, यानी कि अर्थ सरफेस पर जो भी आपको चीजें देखने को मिलती हैं वो इन्हीं सब processes की वजह से देखने को मिलती है. आज के वीडियो का, आज का जो हमारा लेसन है उसका जो आउटलाइन है उसमें रहेगा जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. सबसे पहले हम जानेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या है. उसके बाद जब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे या टाइप्स ऑफ जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस की बात करेंगे तो जो दो सबसे मेन आपके फोर्सेस आते हैं या प्रोसेसेस आते हैं वो होते हैं एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. टाइप्स पढ़ने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस क्या हैं. अब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को हम कैसे समझ सकते हैं. सबसे पहले ये चीज बहुत जाननी बहुत जरूरी है कि जो आपका अर्थ सरफेस है इस पर बहुत सारे जो फिनोमिनाज हैं वो रन कर रहे हैं. बहुत सारी जो एक्टिविटीज हैं वो चल रही होती है सरफेस पे जिसका ना आपको पता होगा ना मुझे. हमारे आसपास में बहुत सारे जो है ना एनवायरमेंट में कुछ ना कुछ एक्टिविटीज हो रही होंगी जिनका शायद हमें पता ना चले बट वो कहीं ना कहीं जो है आपके अर्थ सरफेस को अफेक्ट कर रही हैं. उनको उन अर्थ सरफेस के अंदर उन एक्टिविटीज की वजह से वेरिएशंस आ रही होते हैं. यही है आपके जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस. अब क्या होता है जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस में. सपोज ये आपका अर्थ का क्रस्ट है, इधर क्रस्ट या बोलिए सरफेस है इधर. अब अर्थ के अंदर इंटीरियर में यानी भी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो रन कर रही हैं जिनकी वजह से ये सरफेस अफेक्ट होता है और बहुत सारी जो इस सरफेस के ऊपर भी एक्टिविटीज हैं जिनकी वजह से ये सरफेस अफेक्ट हो रहा है. तो जो एक्टिविटीज इसके नीचे हो रही हैं क्रस्ट के नीचे उनको हम कहेंगे इंटरनल फोर्सेस और जो ऊपर हो रही हैं उनको हम कहेंगे एक्सटर्नल फोर्सेस. अब इन एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस की वजह से क्या होता है आपका अर्थ सरफेस पर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं. यहाँ का जो फिजिकल एनवायरमेंट है उसके अंदर हमें चेंजेस देखने को मिलते हैं एंड इन्हीं फोर्सेस की जो ये फोर्सेस हैं इन्हीं को हम बोलते हैं जियोमॉर्फिक फोर्सेस. अब जियोमॉर्फिक फोर्सेस जो हैं या आपके जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं वो अर्थ सरफेस को दो तरह से अफेक्ट करते हैं. टाइप्स जानने से पहले हम जानते हैं कि वो कैसे अर्थ सरफेस को जो है अफेक्ट करते हैं. तो जैसे मैंने बताया जियोमॉर्फिक फोर्सेस दो तरीके से आपके अर्थ सरफेस को अफेक्ट करेगा. पहला क्या है, बिल्डिंग न्यू लैंडफॉर्म. दूसरा है इरोडिंग. अब इन एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस की वजह से क्या होगा, या तो आपके सरफेस पर एक नया लैंडफॉर्म जन्म लेगा, एक नया लैंडफॉर्म बनेगा, नहीं तो जो पहले से लैंडफॉर्म है ये उसको डिस्ट्रॉय करेगा, उसको इरोड करेगा. यही दो तरीके हैं जिससे आपके जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस जो है आपके अर्थ सरफेस को अफेक्ट करते हैं या उसे शेप देते हैं, एक नई शेप देते हैं. अब टाइप्स की अगर बात करें, क्लासिफिकेशन की बात करें तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस को हम ब्रॉडली दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले आता है एंडोजेनिक प्रोसेसेस एंड दूसरा है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस. अब ये क्या है, अब यहाँ पे एंडोजेनिक में एंडो शब्द का मतलब है इंटरनल और एक्सोजेनिक में एक्सो शब्द का मतलब है एक्सटर्नल.
जब इंटरनल फोर्सेस की वजह से आपके अर्थ सरफेस पर चेंजेस देखने को मिलेंगे तो वो होंगे आपके एंडोजेनिक प्रोसेसेस, एंड जब एक्सटीरियर अर्थ के बाहर यानी कि एटमॉस्फेयर में कुछ एक्टिविटीज प्लेस करेंगी, कुछ फोर्सेस एक्ट करेंगे और उसकी वजह से सरफेस पर चेंजेस देखने को मिलेंगे, उनको हम कहेंगे एक्सोजेनिक फोर्सेस। अब आगे एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आ गया एंडोजेनिक या फिर एंडोजेनेटिक फोर्सेस या प्रोसेसेस। अब ये फोर्स क्या है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ये अर्थ के अंदर से आ रहे हैं। जब अर्थ के अंदर कोई फोर्स एक्ट करेगी उसकी वजह से चेंजेस आएंगे तो वो होगा आपका एंडोजेनिक फोर्सेस। ये चीज आपको क्लियर है। अब क्या है, एक चीज जाननी बहुत जरूरी है कि ये जो इनकी जो स्ट्रेंथ है ना, ताकत है, वो नॉन यूनिफॉर्म है, यानी कि ये सेम नहीं रहती हर जगह, कहीं पर ज्यादा होगी कहीं पर कम होगी। उसकी वजह से क्या होगा, आपका जो सरफेस होगा वो अनइवन होगा। कहीं पर भी आप जाते हैं, आपने देखा होगा कि हर जगह अर्थ का जो लेवल है वो सेम नहीं होता, कहीं अगर वो हाई होगा तो कहीं वो लो होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अफेक्ट किया है आपके इंटरनल फोर्सेस ने। ठीक है, तो ये अनइवननेस क्यों है, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो हर जगह सेम नहीं है। ठीक है, अब एंडोजेनिक प्रोसेसेस में ही अगर हम बात करें तो ये दो तरह की जो मूवमेंट्स है आपकी, दो तरह की मूवमेंट्स होती है एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से। एक होगी आपकी हॉरिजॉन्टल, एक होगी आपकी वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल क्या होगी, ये जो ऐसे राइट टू लेफ्ट जब हम जाते हैं तो ये होगी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, और जब हम ऊपर नीचे जाएंगे इसको हम बोलते हैं वर्टिकल मूवमेंट। ठीक है, अब एंडोजेनिक फोर्सेस जो है मैंने बता दिया आपको, अब मैंने मूवमेंट्स भी बता दी आपको कि किस तरह की मूवमेंट्स होती है। अब इन्हीं के बेसिस पे जो है आपका फर्दर एंडोजेनिक जो फोर्सेस है या प्रोसेसेस है उनको डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। वो दो पार्ट्स हैं हमारे डायस्ट्रोफिक फोर्सेस एंड सडन मूवमेंट। ठीक है, अब डायस्ट्रोफिक फोर्सेस क्या हैं ये जानते हैं। सबसे पहले डायस्ट्रोफिक फोर्सेस में पहली चीज तो आपकी दोनों तरह की मूवमेंट्स होंगी, हॉरिजॉन्टल भी एंड वर्टिकल भी। अब ये जो है ना बहुत स्लोली ऑपरेट करते हैं, यानी कि बहुत धीरे 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 ये जो है प्रोसेसेस रन करते हैं, और इनका जो इफेक्ट है अर्थ सरफेस पे वो भी बहुत धीरे देखने को मिलता है। एकदम से आपको तेजी से इसका साथ के साथ इसका जो रिजल्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा। ये प्रोसेसेस बहुत लंबे टाइम तक चलते रहते हैं चलते रहते हैं, एंड इनका रिजल्ट जो है बहुत बाद में आपको जो है देखने को मिलता है। अब इन ये क्या करते हैं, डायस्ट्रोफिक फोर्स क्या है वो हमने पढ़ लिया। अब इनकी वजह से क्या होता है, सबसे पहले तो क्या करते हैं, वो मूव करते हैं, एलिवेट करते हैं और पोर्शंस बिल्डअप करते हैं अर्थ क्रस्ट में। यानी कि अब जो आपका क्रस्ट है उसकी जो मूवमेंट हो रही है, वो अगर मूव कर रहा है तो वो किस वजह से कर रहा है, आपके डायस्ट्रोफिक फोर्सेस की वजह से। अगर वो एलिवेट हो रहा है, एलिवेट यानी कि अगर वो ऊपर उठ रहा है, हाई जा रहा है, उसका भी कारण आपकी यही फोर्सेस हैं। और अगर वो कुछ नया फॉर्मेशन बिल्डअप कर रहा है, कुछ नए पोर्शंस बिल्डअप हो रहे हैं उसमें, उसका भी रीजन आपके डायस्ट्रोफिक फोर्सेस ही हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सडन मूवमेंट की। सडन मूवमेंट क्या है, जैसा कि शब्द खुद बता रहा है कि एकदम से आपको क्विकली रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रोसेस हो रहा है साथ के साथ आपको इसका कॉन्सिक्वेंस देखने को मिलेगा अर्थ से सरफेस के ऊपर, और ये ना कुछ चंद सेकंड्स ही लेता है अपना रिजल्ट दिखाने में, यानी कि कुछ सेकंड्स में ही ये जो है आपके सरफेस को अफेक्ट कर देता है। अब काफी सारे ना रैपिड इवेंट्स, और एक चीज है ये बहुत रैपिड इवेंट्स होते हैं, मास मैसिव डिस्ट्रक्शन कोज करते हैं। यानी कि ये अभी आप यहाँ देखिए छोटा सा डिफरेंस, ये बिल्ड कर रहा है, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन हो रहा है यहाँ पे। ठीक है,
अब प्रोसेस तो अब क्या हो रहा है कि प्रोसेसेस तो रन कर रहे हैं सरफेस के नीचे, बट इनका रिजल्ट और इफेक्ट देखने को मिलेगा सरफेस के ऊपर। अब इनको कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस भी कहा जाता है क्योंकि इनकी वजह से कुछ ना कुछ रिलीफ जो है अर्थ सरफेस पे या फिर अर्थ रिलीफ फीचर्स देखने को मिलते हैं क्रस्ट पे। अब सडन मूवमेंट क्या हो सकती है हमारी, जैसे आपकी वोल्केनो है सडनली बर्स्ट आउट करती है, आपका अर्थक्वेक है, कोई वार्निंग नहीं होती, सडनली आपको फील होने लग जाता है, तो ये होती है आपकी सडन मूवमेंट। अब डायस्ट्रोफिक जो फोर्सेस हैं उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब डायस्ट्रोफिक फोर्सेस का जैसे मैंने बताया था दो मूवमेंट्स होती है उसमें, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। जो आपकी वर्टिकल मूवमेंट होगी उसकी वजह से क्या होगा, अर्थ सरफेस पर अपलिफ्टमेंट होगी, यानी कि आपका जो क्रस्ट है वो ऊपर की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा, एलिवेट होगा, नहीं तो सब्सिडेंस होगा लैंड मास का, नहीं तो वो नीचे की तरफ गिरेगा। ठीक है, तो ये ऊपर नीचे की जो मूवमेंट होगी जब क्रस्ट में वर्टिकल मूवमेंट होगी उनको हम एपिरोजेनेटिक मूवमेंट भी कहेंगे, जो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस का आपका पार्ट है। इसके बाद डायस्ट्रोफिक फोर्सेस का एक दूसरा पार्ट है ओरोजेनेटिक मूवमेंट्स, इसमें होगी आपकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, यानी कि आप अब इसमें क्या होगा, दो जैसे आपके जो दो प्लेट्स हैं, हमने प्लेट्स टेक्टोनिक प्लेट्स स्टडी किया है, जब वो एक दूसरे की तरफ या तो आगे बढ़ेंगी या एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगी, ये जो लेफ्ट राइट मूवमेंट होती है आपकी कुछ चीजों की सरफेस के नीचे, उनको हम ओरोजेनेटिक मूवमेंट कहते हैं, जो डायस्ट्रोफिक फोर्सेस का ही आपका पार्ट है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आ जाती है एक्सोजेनेटिक फोर्सेस या एक्सोजेनेटिक आपके प्रोसेसेस की। जैसे कि मैंने पहले भी बताया एंडोजेनेटिक सरफेस के नीचे हो रहा है, ये सरफेस के ऊपर होगा, तो जो फोर्सेस एटमोस्फेयर में आपकी जनरेट हो रही हैं, ओरिजिनेट हो रही हैं, उनको कहा जाता है कि वो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस हैं। इनको डिस्ट्रक्शनल फोर्सेस भी कहा जाता है क्योंकि इनकी वजह से सरफेस पर कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन होगी। अब क्या होगा, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिसकी वजह से सरफेस फीचर्स पे या तो डेन्यूडेशन होगा या तो नहीं, यहाँ पर डेन्यूडेशन हो गया, किस तरीके से होगा, या तो वेदरिंग होगी या इरोजन होगा, वरना फिर डिपोजिशनल प्रोसेस होगा। इन एक्टिविटीज की वजह से जो है अर्थ सरफेस पर आपको बहुत मैसिव चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक्सोजेनेटिक फोर्सेस को भी चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है मास वेस्टिंग, फिर है वेदरिंग, थर्ड है इरोजन एंड फोर्थ है डिपोजिशन। ये बहुत लार्ज स्केल पे जो है अर्थ सरफेस को अफेक्ट करते हैं, इसलिए इनको इस वीडियो में समझाना, कवर अप करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इन चारों टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोज में बात करेंगे। एंड तब तक के लिए आप रिवाइज कीजिए जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस का। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी के कुछ पार्ट्स को कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि फोल्ट्स एंड फोल्ट्स, आपका वोल्केनोज एंड अर्थक्वेक, एंड आपकी जो वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन, इन सबकी वजह से जो आपके नए लैंडफॉर्म्स क्रिएट हो रहे हैं, उन्हीं सबको हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। Thank you for being part of this video, and if you liked it, do not forget to share it with your friends and family, and also subscribe to our channel and press the bell icon.